चलिए दोस्तों, तो बहुत ही डिटेल में हमने अपने चैप्टर 5 को कंप्लीट किया, जहाँ पे हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को देखा। इसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के सारे बेसिक्स कवर किए, हिस्ट्री वगैरह कवर की, इसके नेचर्स, ऑब्जेक्टिव्स, बेनिफिट्स, एडवांटेजेस को कवर किया। साथ ही में इसकी लिमिटेशंस भी कुछ देखी थी, और फिर हमने बात की थी इसकी एप्लीकेबिलिटी की, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो किन किन के ऊपर एप्लीकेबल होता है और किसको उसमें से छूट दे दी गई है। फिर हमने बात की IFRS की, फिर डिफिकल्टी को समझा कि किसी इंसान को ग्लोबल मार्केट में जाना है तो उसको आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और IFRS दोनों फॉलो करना होता है। और फिर हमने लेटेस्ट बात की इंड एस की, जिसमें हमने कहा कि एक मात्र मूल मंत्र दे दिया गया, जिसको कि काफी सिंपल और IFRS से अडॉप्ट करते हुए इंडियन IFRS के रूप में उसको लाया गया, इंडियनाइज्ड IFRS के रूप में उसको लाया गया, ताकि इंडियन यूजर्स जो हैं उनका काम भी चल सके और जो हमारे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं वो भी उससे खुश रहें, उन्हें कोई दिक्कत ना हो। अब अगर मोटे तौर पे जो हमने इसका थ्योरी और जो इसका पार्ट कवर किया, अगर इसको मोटे तौर पे हम डिफरेंस की फॉर्म में लेके आए, तो इसमें मोटे मोटे क्या डिफरेंसेस हैं जो कि AS और INDAS में आते हैं। IFRS की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल पे था और उसका सॉल्यूशन INDAS के आने से आ गया। मतलब कि अगर पहले की बात करें तो पहले हम क्या पढ़ा करते थे, सिर्फ और सिर्फ अपने सिलेबस में AS और साथ में हम क्या पढ़ते थे, IFRS। बट आज के टाइम पे IFRS हम पढ़ जरूर रहे, लेकिन इसका हमारे पास अल्टरनेटिव आ चुका है जिसका नाम क्या है, इंड एस। तो पहले हम कंपैरिजन किया करते थे AS और IFRS में, आज के टाइम पे हम इसको इग्नोर कर सकते हैं बिकॉज इसके रिप्लेसमेंट में इंडिया में क्या अवेलेबल है हमारे पास, इंड एस। तो हमारा जो कंपैरिजन होगा वो किसके बेस पे होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर। ठीक है, चलिए, तो सब्र के साथ अपने रजिस्टर, अपने पेपर पेन के साथ आप बैठेंगे और समझना शुरू करेंगे कि क्या डिफरेंसेस हैं इन दोनों के बीच में। ओके सर, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिफरेंस अगर शुरू होता है तो हमें क्या बनाना पड़ता है, हमें बनाना पड़ता है इसके लिए कुछ डब्बे। तो फटाफट से तैयार करते हैं कुछ डब्बे। ओके, तो दिस इज दी बेसिक स्ट्रक्चर, जिस तरीके से हम बचपन से डिफरेंसेस करते आए हैं और आज तक भी हम इसी को फॉलो करते हैं बिकॉज दिस इज दी बेस्ट वे टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू। सबसे पहला कॉलम बनेगा हमारा बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन का, इवन इसको थोड़ा और वाइड कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा कहानी तो इसी में कवर हो जाती है। उसके बाद आएंगे हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। चलिए सर, सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं, बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन। ये लिखा हुआ हो सकता था, मैं आराम से उसको रीड करके दो मिनट में खत्म करा देता, बट मेरी यहां पे इच्छा ये है कि आप इसको साथ साथ में लिखें और लिखते के साथ साथ आप इसको दिमाग में कंज्यूम कर जाए, आपके दिमाग में ये समा जाएगा, आपको आगे कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी और जितना भी हमने पीछे पढ़ा एक तरीके से मोर और लेस आपका यहां पे वो रिवाइज भी हो जाएगा 5 से 7 मिनट के अंदर। ठीक है सर, तो पहला इसके अंदर लिखते हैं हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जिसको आप शॉर्ट में क्या कहते हो, AS। और यहां पे हम लिखेंगे इंडियन AS, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं इंड AS, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है सर, नाउ फर्स्ट डिफरेंस आता है जिसमें हम बात करेंगे बेसिस के ऊपर। अब जो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसका बेसिस क्या है, तो सर देखो, जो आपकी IASC थी पहले तो यही थी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। इस ISC में आपके ICAI भी था और ICWAI भी था। ठीक है जी, इन लोगों ने मिलके जो बनाया वो क्या बनाया, वो बनाया IAS, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए इंडिया में क्या ले आए हम, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है सर, उसके बाद इस ISSC का एक बोर्ड डेवलप हुआ जिसके अंदर क्या बना हमारा, IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इन्होंने IAS को ही कवर करते हुए एक रिफाइन स्टैंडर्ड लेके आया जिसको बोला गया IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। हम भी कहा मानने वाले थे, हमने कहा पहले हमने IAS को कॉपी करके AS बनाया था क्योंकि हम भी इसकी कमिटी में थे, अब हम IFRS को कॉपी करते हुए इंडिया के लिए IFRS लेके आया जिसका हमने नाम दिया क्या, इंड AS। तो मोटे तौर पे हम कहें कि बेसिस क्या है, बेसिस बोले तो AS आने का बेसिस क्या था आपका, AS आने का बेसिस था आपका IAS, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और इंड AS आने का बेसिस क्या है, ये है आपका IFRS। ये काफी सालों पुरानी बात हो गई, जब ये हमारा जो
आईएएससी का गठन हुआ था 1973 में, उस टाइम की बात हो गई। उस टाइम पे हमने एएस डेवलप किया। लेटर ऑन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आईएएस भी डेवलप हुआ और इसने आईएफआरएस इशू कर दिए, तो काफ़ी टाइम तक हम एएस और आईएफआरएस से काम चलाते रहे। हमने कहा एएस में भी रिपोर्टिंग करेंगे, आईएफआरएस में भी रिपोर्टिंग करेंगे, लेकिन हमने कहा ये दिक्कत हो रही है किसी भी बिजनेस इंटरप्राइज को, दो सेट ऑफ अकाउंटिंग बनानी पड़ रही है, लोकल लेवल पे इंडियन लेवल पे एएस को देखते हुए और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स या फिर इंटरनेशनल यूजर्स को देखते हुए आईएफआरएस में उसको डेवलप करना पड़ता है। इसी दिक्कत को दूर करने के लिए हमने कहा कि क्यों ना हम इंड एएस बना लें, जिसके अंदर एएस की खूबियां तो होंगी ही होंगी, आईएफआरएस की खूबियां भी उसके अंदर समा जाएंगी, तो जो भी बिजनेस एंटिटी है उसको सिर्फ एक ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, एएस की उसके पास डुप्लीकेसी हट जाएगी। चलिए सर, तो दिस इज दी ओवरऑल कॉन्सेप्ट, इनको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, आप भी हट जाओ, आप हट पाओगे, हट जाएंगे। चलो जी, तो दिस इज दी बेसिस कि कहां से आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया और कहां से आपका इंड एएस आया है। ठीक है सर, सेकेंड आते हैं, सेकेंड डिफरेंस क्या है, रूल ऑब्लिक प्रिंसिपल बेस्ड। तो बेसिकली क्या है, इसके अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में जो फॉलो होते थे वो फॉलो हुआ करते थे रूल्स, बट जो इंड एएस में फॉलो होते हैं वो क्या फॉलो होते हैं, प्रिंसिपल। अब इन दोनों में सर कुछ फर्क है क्या? नहीं जी, कोई खास फर्क नहीं है। मोटे मोटे तौर पे ये कहा गया जब इनको डिफाइन किया गया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को जब डिफाइन किया गया तो कहा गया कि सेट ऑफ रूल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो रूल्स थोड़ा सा आपको कठिन टाइप का वर्ड लगता है, ऐसा लगता है कि आपसे जबरदस्ती कुछ करवाया जा रहा है, आपके ऊपर एक लॉ जबरदस्ती थोपा जा रहा है, बट जब इसी रूल्स को आप सिनोनिम्स की तरह यूज करते हो और बोलते हो प्रिंसिपल्स, तो सामने वाले को लगता है कि हाँ कुछ लॉजिकल बात हो रही है, ऐसे ही जबरदस्ती नहीं डाला जा रहा, इसके पीछे कुछ लॉजिक है जिसको कुछ प्रिंसिपल बेस्ड डेवलप किया गया है, तो इसलिए इसके अंदर बस ये नॉमनक्लेचर यूज हुआ किसका, प्रिंसिपल वर्ड का। और जो पहले वर्ड यूज हुआ करता था वो कौन सा वर्ड यूज करता था, रूल। नई नई की बात थी, हमें जबरदस्ती अप्लाई करवाना था, अब लोग समझदार हो गए हैं तो इसलिए हमने उसको नाम दे दिया प्रिंसिपल बेस्ड। तो मोटे तौर पे कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, बट एक कहा जाए कि रूल बेस्ड और प्रिंसिपल बेस्ड में डिफरेंशिएट करने के लिए, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो रूल बेस्ड है और जो हमारा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो है हमारा प्रिंसिपल बेस्ड। ठीक है सर, नाउ अगला आता है फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट। फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट जो है वो कहां पे लगता है, तो हमने देखा कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इसके अंदर तो हम अभी भी क्या फॉलो करते हैं, फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करते, इसके अंदर हम क्या फॉलो करते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट को। ये किसको सपोर्ट करके चलता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट को। बट इंड एएस की बात करें तो हाँ जी, यहां पे क्या फॉलो होता है, यहां पे आपका फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, यहां पे हम अपने एसेट्स और लायबिलिटी को फेयर वैल्यू पे रीस्टेट करते हैं, हम देखते हैं कि उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। अगर एसेट्स की बात करें तो एसेट्स ये मार्केट में आज की डेट में कितने में एक्वायर किया जा सकता है, और लायबिलिटी की बात करें तो आज की डेट में ये कितने में सेटल किया जा सकता है, जो भी उसकी आज की वैल्यू होती है उसको हम बुक्स में लेके चलते हैं। ठीक है सर, नाउ ट्रस्ट ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, बताइए जी आप क्या फॉलो करेंगे, तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स आपके ऊपर ट्रस्ट करके चलते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो नॉट ट्रस्टवर्दी फॉर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, ये इनके लिए काम का नहीं था, ये कहते थे ना जी ना हम ना मानेंगे इसको, इसके लिए हमें यहां पे आईएफआरएस को अडॉप्ट करना पड़ता था। इसकी बात करें, अगर हम इंडियास की बात करें तो बिल्कुल जी इस पे हमारी ट्रस्टवर्दी होती है, जो हमारे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं वो आपके इंडियास पे ट्रस्ट प्रॉपरली करके चलते हैं, तो यहां पे ट्रस्ट नहीं है, यहां पे ट्रस्ट आपका है। ठीक है सर, अगला डिफरेंस बताएं, अगला आप कह सकते हो मल्टीपल रिपोर्टिंग। इसके अंदर आपको मल्टीपल रिपोर्टिंग करनी पड़ती थी, इसके अंदर आपको एएस में भी रिपोर्ट करना पड़ता है प्लस इसमें आईएफआरएस में भी रिपोर्ट करना पड़ता है, तो मतलब दो टाइप की रिपोर्टिंग होती थी। तो मल्टीपल रिपोर्टिंग यस, बट क्या इसके अंदर है, इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है मल्टीपल रिपोर्टिंग। आपने आईएस को फॉलो किया, आईएस फॉलो करते हुए आप अपने रिपोर्ट्स तैयार करो, वो आपके इंडिया में भी लोग उसको यूज करेंगे, इंडिया के यूजर्स के भी काम आएगा, साथ ही में अगर कोई इंटरनेशनल यूजर्स हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं तो वो भी उसको यूज कर पाएंगे, तो यहाँ पे आपको मल्टीपल रिपोर्टिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। बट अगर कोई एएस फॉलो करता है तो उसको इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए आईएफआरएस में भी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तैयार करना पड़ता है उनकी अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए, तो इसलिए मल्टीपल रिपोर्टिंग आपकी एएस में होती है, इंडियास में नहीं होती है।
अगला बात करें नंबर ऑफ स्टैंडर्ड्स, तो इसके अंदर आप कह सकते हो 32/29, 32 इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एंड 29 आर नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 32 इशू किए हैं, 29 नोटिफाई किए गए हैं, और यहां पे ओवरऑल कितने हैं आपके 41 इंडियस हैं, जो कि 41 स्टैंडर्ड्स हैं जो इंडियस के रूप में लागू किए गए हैं, इशू किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सभी उन एंटरप्राइज के लिए जो कि इसके दायरे में आते हैं। तो दिस इज द बेसिक डिस्टिंक्शन बिटवीन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। मोटे तौर पर आपको पता लग गया होगा कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और किस तरीके से इसको लेके चला गया है। अब ये बेसिक अगर आपको आइडिया है तो इस चैप्टर में इससे एडवांस कुछ नहीं आ सकता। आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, कैसे आया था, कैसे काम करता है, IFRS क्या है, इंड AS क्या है, और इन तीनों को मिला जुला के इनमें क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं। अगर इतनी बातें आपको क्लियर हैं तो दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं मांगता ये चैप्टर, ठीक है। चलिए तो फिलहाल हमने ये वाला पार्ट भी कवर कर लिया, अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स है उसको फटाफट से प्रैक्टिस कर लेंगे, ऑल्दो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में बनते नहीं है।